फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फन। लॉकडाउन होने की वजह से आजकल मार्केट बंद है, बच्चे घर में ही दिन भर रहते हैं और इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाने को चाहिए होता है। तो ऐसे में आलू की फिलिंग वाली सैंडविच बनाना बहुत ही आसान होता है और झटपट बन भी जाता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दो तीन उबले हुए आलू को जो मैंने ग्रेट करके रखा था वो ले लेती हूँ। इसमें हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, एक बारीक कटा हुआ प्याज, कलर के लिए 1 पिंच हल्दी, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा फिलिंग का। हाफ बाउल धनिया बारीक कटा हुआ, दो तीन हरी मिर्च कटी हुई, अमचूर पाउडर हाफ टेबल स्पून, चाट मसाला, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप अब डाल सकते हैं। अब इसको हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल सकते हैं, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। ऑयल से बाइंडिंग आलू में बहुत अच्छी आती है, आप जो चाहे बस वो ऑयल, सरसों का, रिफाइंड का कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ रिफाइंड यूज कर रही हूँ। आलू की फिलिंग मेरी तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ 2 ब्रेड ले रही हूँ। अब इस पर बहुत ही अच्छे से सैंडविच में मक्खन बहुत ही अच्छे से लगता है, बिना बटर के सैंडविच मजा ही नहीं आता है। इसके लिए आप ब्राउन ब्रेड या व्हाइट ब्रेड कोई भी ले सकते हैं, आपकी जो भी मतलब इच्छा हो। खूब अच्छे से लगा दीजिए। बटर मैंने बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर टोमेटो केचप लगा दूंगी। हरी धनिया की चटनी मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे। आप चाहे तो एक स्लाइस पर हरी धनिया की चटनी भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर आलू की फिलिंग अच्छे से फैला दूंगी। ये मेरी आलू की फिलिंग अच्छे से फैल चुकी है। अब इसके ऊपर मैं दूसरा स्लाइस ब्रेड का रख दूंगी। अब इसके ऊपर भी मैं अच्छे से बटर लगा दूंगी। मैंने पैन को गैस पर रख दिया है, ये गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं बटर डाल दूंगी, इसको अच्छी तरह से सब तरफ फैला दूंगी ताकि सैंडविच नहीं चिपके। मैंने सैंडविच की 2 स्लाइस तैयार कर ली थी, इसके ऊपर भी मैंने दोनों सैंडविच के ऊपर अच्छी तरह से बटर लगा दिया। बच्चे बटर बहुत ही मन से खाते हैं। अब इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से सेक लेंगे। मेरी सैंडविच एक तरफ से अच्छे से सिक चुकी है, ये देखिए ब्राउन कलर आ गया है। अब दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से सिक जाएगी। इसमें 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, 2 मिनट लगेगा। सैंडविच मेरी अच्छी तरह से सिक चुकी है। अब मैं इसे ट्रे में निकाल ले रही हूँ। अब सैंडविच को मैं बीच से कट कर ले रही हूँ।
ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पक गया है मेरा सैंडविच। मेरी सैंडविच तैयार है। मैंने इसे टोमेटो केचप और हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। आप अपने घर में जरूर इसे एक बार ट्राई करें। आपको अगर पसंद आए मेरी रेसिपी तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।